हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनु टेक्निक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं हाइड्रोसाइक्लोन, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है वो आपको दिखाने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रोसाइक्लोन का वाटर टैंक है। वाटर टैंक से ये सक्शन पाइप कनेक्टेड है। सक्शन पाइप में स्टेंजर लगा हुआ है, वो बाइसेप का है। स्टेंजर का काम होता है वाटर को फिल्टर करना, फिल्टर करके पंप में भेजता है। ये पंप लगी हुई है, पंप के ऊपर एक डिस्चार्ज पाइप लगा हुआ है। पंप से कनेक्टेड है मोटर बेल्ट के थ्रू, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये मोटर है एपेक्स की, 45 किलोवाट। ये डिस्चार्ज वॉट पाइप है, ये सीधा कनेक्टेड है साइक्लोन सेपरेटर से, आपको दिख रहा होगा। साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्टेड है, ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर है। इससे बाहर की तरफ दो पाइप कनेक्टेड हैं। यहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो डस्ट वगैरह आएगी। इसमें हम एक पॉइंट देंगे वाटर का, वाटर के साथ हमारी वो डस्ट आएगी। ये दो पाइप मैंने आपको बताया था ना, ये हो गया डिस्चार्ज पाइप। उसके बाद दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप से स्लैरी निकलेगी जाने के, थोड़ा गंदा पानी निकलेगा। और जो नीचे की तरफ जो पाइप लगा हुआ है उससे क्या होगा, उससे थोड़ा साफ पानी वाटर टैंक में जाएगा। फिर हम इसको रिसाइकिल करके दोबारा पंप के थ्रू यहाँ पे लेके आएंगे। ये डीवाटिंग स्क्रीन है और उसके आगे सूट लगा हुआ है एम सेंट और पी सेंट का। इससे हमारा माल आगे कन्वेयर की तरफ जाएगा। ये हमारा सूट है, इससे ही हमारा डिवाइड होगा एम सेंट और पी सेंट। ये साइक्लोन सेपरेटर का वाटर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम मटेरियल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हमारी मिट्टी बची हो मटेरियल में वो क्लीन हो जाए, मिट्टी आगे नहीं जाए, बिल्कुल फ्रेश मटेरियल हमें आगे की तरफ मिले। कन्वेयर के थ्रू यहाँ पे हमने मटेरियल को आगे भेज रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।